लोकसभा चुनाव निपटने के बाद अब मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट पर बीजेपी की ओर से किसे चुनाव लड़ाया जाएगा, इसे लेकर संशय की स्थिति है, जहां अब इस पर सियासत भी रफ्तार पकड़ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, निश्चित रूप से एक सीट जो खाली हुई, संगठन उसको लेकर निर्णय लेगा और हमारे यहाँ आपसी सहमति से निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय लेने के पश्चात उस निर्णय के आधार पर जो है वोटिंग होती है। अब ये क्रॉस वोटिंग होना या एक अनार सौ बीमार की कांग्रेस कहानी तो स्वयं कांग्रेस में विराजमान है। अभी देखिए, जीतू पटवारी जी को घेरने के लिए जो तमाम नेता, दिग्विजय सिंह साहब हो, कमलनाथ जी हो या अजय जी हो या नेता प्रतिपक्ष, निश्चित रूप से सभी लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष की सीट के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है पहले कांग्रेस को अपने घर में देखने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर निश्चित रूप से एक तय पैमाना होता है और उस पैमाने के अनुसार ही कार्य होता है। देखिए, निश्चित रूप से आप अगर देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में जो है ऐतिहासिक मतपत्र भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं और उसके बाद अगर हालिया सांसदीय चुनाव की बात करेंगे तो लगभग 1 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले, यानी हर सांसदीय क्षेत्र में लगभग 3 लाख वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले। तो निश्चित रूप से जनता का जो अभिमत है और जनता का जो मन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं भी उपचुनाव होंगे, निश्चित रूप से जो पूर्व में हमने करा है वैसे ही हम लाखों वोटों से जीत कर आने का कार्य करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर कला है वो स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। अलग अलग दावेदार अलग अलग गुट से सामने आ रहे हैं। कहीं केपी यादव जी का नाम आ रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी का नाम आ रहा है, तरह तरह के दावेदार सामने आ रहे हैं। एक अनार सौ बीमार वाली कहावत भारतीय जनता पार्टी में चरितार्थ हो रही है। ये कहा हर किसी को प्रलोभन दिया गया था राज्यसभा सीट के लिए, वो दावेदार चुनाव के बाद खड़े हो रहे हैं इनके सामने। तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी जो अंतर कला अंतर द्वंद है स्पष्ट रूप सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक सीट के बीच इनकी आपसी सिर्फ फटाव सामने आ रही है। देखिए, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हार हारने से नहीं होती, हार होती है हार मानने से। कांग्रेस वो पार्टी है जो देश की जड़ों में लगी हुई है। अब देखा है कि मजबूत हमने पक्ष खड़ा किया देश के अंदर। पहले जो मोदी सरकार का नाम लिया जाता था, मोदी सरकार का नाम हट के अब न मोदी परिवार रहा न मोदी सरकार रही, वो एनडीए के रूप में खड़ा हो गया जो कि बैसाखियों के सहारे पर खड़ा हुआ। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस जो है बहुत मजबूती के साथ वापस मध्य प्रदेश में वापसी करेगी और एक वापस से हम देखिए हम स्वीकार करते हैं कुछ गलतियां हुई हैं, हमसे कहीं चूक हुई है, हम उसका आत्मावलोकन करेंगे, मंथन करेंगे और वापस बड़ी ताकत के साथ एक मजबूती के साथ वापस मैदान में आएंगे।